बल्कि मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आपके लिए एक जो नुमाइंदे आपके सामने बैठे हुए हैं, ये सबसे आपके काबिल, ये सबसे जरूरी भी है और इनसे सबसे ज्यादा एक्सेस आपकी इन लोगों तक है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक मिसाल दूंगा। 2018 की हुकूमत पीटीआई की आई थी तो आप सबको याद होगा, यहाँ कश्मीर हाईवे पे एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें मार्कियां गिराई गई थी, लोगों के घर गिराए गए थे। आप सब लोकल लोग हैं, आप सबको वो याद होगा। उस टाइम के हमारे हलके के मुंतखब नुमाइंदे यहाँ से मिनिस्टर भी थे, अगर वो एक फोन करते तो आप लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन नहीं हो सकता था। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों की वहां तक उन तक एक्सेस ही नहीं थी, और उन लोगों को जो छुड़ा रहे थे वो मलिक इब्राज साहब थे और अंजम वकील साहब थे, जो जी 11 थाने रमना में बैठे हुए लोगों को छुड़ा रहे थे। ये इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आइंदा जो आप मुंतखब करेंगे नुमाइंदा, उनमें आप लोगों की जो पहुंच है उस नुमाइंदे तक होना बहुत जरूरी है। फिर मैं अपनी पार्टी का भी आपको बता दूं कि हमें 16 माह का टाइम मिला था, ये जो हमने अभी पीटीआई की हुकूमत अदम एतमाद के जरिए चेंज की थी, 16 माह के टाइम में जो रिकॉर्ड तरक्याती काम हमने कराए हैं वो पिछले 4 साल में नहीं हो सके। ये कश्मीर हाईवे पे मेट्रो बस की मिसाल आप लोगों के सामने है। 5 दिन के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने इस मेट्रो को चला के दिया था, 5 दिन के अंदर। ये मिसालें मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आगे इलेक्शन है, लोग आएंगे, लोग बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर है, कौन सी पार्टी आवाम का सोचती है। आज अगर ये